हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। हम लोग देख रहे थे अपने 4 PM की क्लास और वो है हमारी करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में हम लोग फिलहाल फरवरी मंथ को डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारा ये कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स है जिसको आप लोग यूज कर सकते हैं अपने डाउट पूछने के लिए या फिर हम तक रीच आउट करने के लिए। इसके अलावा हमारे कुछ कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जो कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों के लिए ही है। आप अकॉर्डिंगली अपने प्रिपरेशन में इनकी मदद ले सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अस फॉर टेस्ट सीरीज एंड दीज आर द अवेलेबल टेस्ट सीरीज। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर्स और सबसे पहले करंट अफेयर्स आती है हमारी एनवायरनमेंट से रिलेटेड। वन बाय वन करके फटाफट डिस्कस करते हैं। सबसे पहला एक प्रोग्राम है जिसका नाम है सूत्रा पिक इंडिया प्रोग्राम। अब ये सूत्रा पिक का मतलब क्या है ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। सूत्रा का मतलब है साइंटिफिक यूटिलाइजेशन थ्रू रिसर्च ऑगमेंटेशन। अब पिक का मतलब है प्राइम प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिजिनस काउज। एक्चुअली है क्या, हमें पता है कि काउ इज वेरी यूजफुल फॉर आवर हेल्थ क्योंकि यहां से बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं जैसे दूध हो गया, दही हो गई, घी हो गया, या फिर इसकी जो काउडंग हो गई, या फिर इसकी जो यूरिन है, मतलब सारे के सारे प्रोडक्ट काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं फॉर आवर बॉडी एज वेल एज फॉर आवर एग्रीकल्चर। तो दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जा रही होती है। तो इसके लिए हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स निकाल के रखे हुए थे ऑलरेडी, जिसको कि आप गवर्नमेंट वाले हमारे सीरीज में जाके देख सकते हैं, जैसे पंचगाव्या हो गया या फिर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर देयर, नंबर ऑफ स्कीम्स आर देयर जिसके लिए ये प्रोग्राम बनाया गया था। इसी चीज को आगे एक लेवल बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है एंड इट विल बी फंडेड बाई मल्टीपल साइंटिफिक मिनिस्ट्रीज। द इनिशिएटिव सूत्रा पिक इज लेड बाई डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। It has Department of Biotechnology, CSIR, Ayush and other and Indian Council of Medical Research as partner. इसमें किया क्या जा रहा है? इसमें किया ये जा रहा है medicinal therapy जितनी भी हमारी उसको develop किया जाएगा with the help of cow product. Cow के जितने भी product होते हैं उसके सहारे हम develop करने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज, जितने भी हमारे आयुष से related जितने भी हमारी therapies हैं उनको भी हम लोग डेवलप करेंगे। थर्ड थिंग, बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी हम लोग काउ के प्रोडक्ट को यूज करेंगे और डेवलपमेंट करेंगे। बेसिकली इस पूरे के पूरे प्रोग्राम का मतलब है रिसर्च करना। दिस इज ओनली एंड ओनली रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और किस चीज से? काउ के प्रोडक्ट से। तो दिस इज द ऑल थिंग अबाउट दिस सूत्रा पिक इंडिया प्रोग्राम। स्टार्ट करते हैं दूसरी जो हमारी करंट अफेयर्स है और वो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सबटेरेनियन फिश। सबसे पहले आपको यहां पर जानना चाहिए कि सबटेरेनियन का मतलब क्या होता है। तो सबटेरेनियन इकोसिस्टम आर कंसीडर्ड एक्सट्रीम हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट कंसीडर्ड बाय डार्कनेस ट्रंकेटेड फूड वेब्स एंड फूड सिक्योरिटी। सबटेरेनियन का मतलब जैसे कि आप लोग यहां से पढ़ के समझ ही सकते हैं कि ये बेसिकली है क्या कि जब भी कोई जानवर, जब भी कोई जीव, जब भी कोई स्पीसी हाई लेवल एनवायरनमेंट स्ट्रेस अगर झेल रहा होता है और उसके अकॉर्डिंगली अपने अंदर जब ये चेंज लाना शुरू कर देता है, इसी को बोलते हैं सबटेरेनियन इकोसिस्टम। जैसा कि जुरासिक एज में जो हमारे डायनासोर्स थे, ये डायनासोर्स भी उस समय यही इसी तरीके का सबटेरेनियन इकोसिस्टम फेस कर रहे थे और इसके बाद से क्या हुआ कि उनका मास एक्सटिंक्शन हो गया। मास एक्सटिंक्शन की अगर बात आई तो यहां पर आपको जानने की जरूरत है कि हम लोग 6th मास एक्सटिंक्शन से गुजर चुके हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 6 मास एक्सटिंक्शन से गुजर चुके हैं और जो 6वां हुआ था वो बेसिकली था छोटे मोटे जो इंसेक्ट्स हैं और बर्ड्स हैं। तो बेसिकली जो इंसेक्ट्स और बर्ड्स हैं वही हमारी 6 मास एक्सटिंक्शन है। क्लियर हो गई क्या चीज है? ओके, तो अब जरा आते हैं करंट अफेयर्स पे कि करंट अफेयर्स क्या है। हुआ क्या है कि अभी एक फिश पाई गई है और उस फिश की आंख नहीं है। सिस्टमैटिक एक्सप्लोरेशन ऑफ मेघालयन केव्स। दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि करंट अफेयर्स आपसे यही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अभी फिलहाल में एक सबटेरेनियन फिश पाई गई है, वो कहां पर पाई गई है? तो आप बोलेंगे मेघालयन केव्स में। मेघालयन केव के लिए मैंने आप लोग को एक और इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि यहां पर लाइमस्टोन केव्स पाई जाती हैं। इसके लिए मैंने आप लोग को दो चीज बताया था, एक तेलंगाना में पाई जा रही है, दूसरी पाई जा रही है मेघालय में। तो जितने भी आप करंट अफेयर्स पढ़े हैं सबको करेक्ट करते हुए चलिए ऐसे ही, ठीक है? अच्छा, सिस्टमैटिक एक्सप्लोरेशन ऑफ मेघालयन केव्स हैज बीन अंडरवे फॉर ऑलमोस्ट 30 इयर्स एंड हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर ऑफ केव पैसेज हैव बीन एक्सप्लोर्ड एंड मैप्ड। इन अ केव इन अ रिमोट फॉरेस्टेड एरिया ऑफ मेघालय जयंतिया हिल अ रिसर्च एक्सपेडिशन फाउंड लार्ज स्पीसी ऑफ ए सबटेरेनियन फिश। तो ये जो सबटेरेनियन फिश है
इस ये बेसिकली क्या है, काफी पुरानी मतलब कि काफी पहले के टाइम की है और ये काफी बड़ी है, इतनी बड़ी फिश अभी तक नहीं पाई गई थी, ये तो पहला फैक्ट हो गया। दूसरा फैक्ट कि इसकी आंख नहीं है, मतलब कि हो सकता है कि ये जो फिश है ड्यू टू द डार्कनेस ऑफ सबटेरेनियन क्लाइमेट या सबटेरेनियन इकोसिस्टम, इस फिश की धीरे 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 इसकी जो विजन है या कह सकते हैं इसकी जो आईज है वो धीरे धीरे खत्म हो गई, तो आगे की जो भी जनरेशन आई उसमें आंख फिर एब्सेंट हो गई। तो ये हो जाती है हमारी फिश के बारे में, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था पर ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद देखिए काफी सारे टाइगर रिजर्व के बारे में हम लोगों ने बात किया ही था, चाहे वो नीलगिरी हो, चाहे वो सत्यमंगलम हो, चाहे मुकुर्ति हो, चाहे नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। वैसे ही कुछ और टाइगर रिजर्व है, जैसे एक है कवाल टाइगर रिजर्व जो कि तेलंगाना में है। इसमें क्या चीज है, कैसे है, आपको बिल्कुल भी जानने की जरूरत नहीं है, केवल आपको ये पता होना चाहिए कि ये है कहां पे, तो तेलंगाना में है। दूसरा, रिसेंट में एक नए टाइगर रिजर्व की बात कही जा रही है, मतलब NTCA को अभी फिलहाल एप्लीकेशन भेजा गया है कि ये जो मलाई महादेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको भी टाइगर रिजर्व में बदल देना चाहिए। अगर बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहां पर, तो ये है कर्नाटक में। कर्नाटक में ऑलरेडी दो टाइगर रिजर्व हैं, एक है बांदीपुर टाइगर रिजर्व और दूसरा है BRT टाइगर रिजर्व। अगर इन केस मलाई महादेश्वरा को मिल जाता है, अगर लाइसेंस मिल जाती है परमिशन, तो ये एकमात्र ऐसा स्टेट हो जाएगा जहां पर तीन टाइगर रिजर्व हो जाएंगे, क्लियर। तीसरी जो करंट अफेयर्स है वो है पक्की टाइगर रिजर्व, जिसको कि पाखुई टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। 2017 या 2018 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था और वो इसीलिए पूछा गया था क्योंकि दिस टाइगर रिजर्व हैज वॉन इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2016 इन द कैटेगरी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीसी फॉर हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन प्रोग्राम। तो ये एक प्रोग्राम था जिसके तहत इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, इस टाइगर रिजर्व को अवार्ड दिया गया था, तो इस वजह से काफी ज्यादा न्यूज में थी और यही रीजन था कि वो क्वेश्चन पूछ लिया गया था। अगेन क्वेश्चन पूछा गया तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। इन सबकी लोकेशन और सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज है इसकी ये आपको याद रखनी है। इनफैक्ट इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर के भी आऊंगा जहां पर मैं सारे टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क सबको एक साथ डिस्कस करूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए खैर, नेक्स्ट हमारी है कि अरब वर्ल्ड्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। अभी क्या है, अरब वर्ल्ड में मतलब अरेबियन पेनिनसुला में पहली न्यूक्लियर पावर प्लांट एस्टैब्लिश हो गई है। हालांकि एस्टैब्लिशमेंट तो बहुत पहले ही हो गया था, 2017 में हो गया था, बट इसकी प्रोडक्शन नहीं स्टार्ट हुई थी, तो प्रोडक्शन अब स्टार्ट हो गई है। अगर बात करें इस न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम, तो देखिए इसका नाम है बराक न्यूक्लियर पावर प्लांट इन अबू धाबी जो कि UAE में है। ये बिल्ड किसके द्वारा हुई है, ये हुई है कोरिया इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा। इट वॉज ओरिजिनली ड्यू टू मतलब बना तो दिया गया 2017 में, रिसेंटली UAE हैड इश्यूड एन ऑपरेटिंग लाइसेंस फॉर द अरब्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये सब चीजें हैं, तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि रिसेंटली बराक न्यूक्लियर पावर प्लांट वॉज इन न्यूज, ये किस कंट्री का है, तो आप बता देंगे ये UAE की कंट्री का है। बाकी इनकेस अगर डिटेलिंग जाता भी है तो आपको पता होना चाहिए कि 17 में ये ऑलरेडी आ चुका था बट लाइसेंस नहीं मिली थी, लाइसेंस जो है वो 2020 में मिल गई है, अब फंक्शन करना ये शुरू कर दिया है। क्लियर हो गया क्या चीज है। ओके, कमिंग नेक्स्ट टू साइंस एंड टेक करंट अफेयर्स। अब हम इसमें क्या है कि माइक्रो आरएनए के बारे में है। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कई सारी चीजें बताई हुई है, जैसे एक है आपका क्रिस्पर कैस 9 के बारे में हम लोगों ने बात किया था, फिर हम लोगों ने बात किया था क्रिस्पर कैस 12 के बारे में डिस्कस किया था एक दिन। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को डीएनए एडिटिंग के बारे में बेसिकली बताया था, डीएनए एडिटिंग। अब इसमें होता क्या है, मान लीजिए कि हमारी जो डीएनए है एडिनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ठीक है, यूरेसिल, तो ATGC इस तरीके से हमारे पास डीएनए के प्रोटीन्स हो जाते हैं। तो ATGC मान लेते हैं इस तरीके से सीक्वेंसिंग बनी हुई है, ये सीक्वेंसिंग बनी हुई है। इसमें मान लेते हैं कि जो थायमिन वाला पार्ट है ये गड़बड़ हो गया, इसमें कुछ डिसऑर्डर आ गया है। तो इस डिसऑर्डर के कारण से होगा क्या कि ये जीन जेनेटिक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो हमें करना क्या होगा, एक ऑप्शन है कि इसको हम लोग क्रिस्पर कैस 9 के सहारे इसको कटिंग करें और इसकी जगह पर दूसरा प्रोटीन हम लोग इस्टैब्लिश कर दें, एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि इसके थ्रू जो भी चीजें हो रही हैं उसको हम लोग नंब कर दें, उसको हम लोग हटा दें, और ये तरीका, ये जो तरीका होता है उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो आरएनए। अब ये क्या चीज है, अब जरा यहां से पढ़ते हैं।
माइक्रो आरएनए आर स्मॉल मॉलिक्यूल अबाउट 21 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग एंड हेल्प इन कंट्रोलिंग द लेवल्स ऑफ प्रोटीन इन अ सेल। तो ये प्रोटीन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट आर रेगुलेटेड एट वेरियस लेवल इन द सेल एंड मेडिएटेड बाय प्रोटीन। इन ऑर्डर टू डिक्रीज द लेवल ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोटीन इन स्पेसिफिक सेल द माइक्रो आरएनए डिस्ट्रॉय द मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल दैट हेल्प विद द प्रोडक्शन ऑफ दैट स्पेसिफिक प्रोटीन इन अ सेल। द माइक्रो आरएनए मॉलिक्यूल डू दिस बाय कटिंग डाउन द पर्टिकुलर मैसेंजर आरएनए देयर बाय डिस्ट्रॉइंग इट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड साइलेंसिंग ऑफ आरएनए। तो जिस तरीके से हम लोगों ने डीएनए के बारे में बात किया, सिमिलरली सारा का सारा काम एमआरएनए भी वही कर रहा होता है, मैसेंजर आरएनए भी वही कर रहा होता है। इसको हम लोग बोलते हैं साइलेंसिंग ऑफ आरएनए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरीके से कि क्रिस्पर कैस9 इज रिलेटेड विद डीएनए एंड साइलेंसिंग ऑफ आरएनए या फिर माइक्रो आरएनए इज रिलेटेड विद साइलेंसिंग ऑफ आरएनए। तो कहेंगे आप दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। हो सकता है दोनों एक दूसरे से ऊपर नीचे उल्टा कर दें कि क्रिस्पर कैस9 इज रिलेटेड विद मॉडिफिकेशन इन आरएनए, दूसरा स्टेटमेंट बोल दें कि माइक्रो आरएनए आर अ टेक्निक टू यूज या फिर टू डिस्ट्रॉय डिसीज्ड या फिर डिफेक्टेड डीएनए। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ये उल्टा हो गया। ठीक है, चलिए खैर आगे बात करते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है लॉर्केसिन के बारे में। तो अब ये क्या चीज है, ये देखिए क्या होता है, कई लोग जिम जाते हैं तो उनका क्या है, हेल्थ काफी मतलब हेल्दी होते हैं, मोटे होते हैं। तो वो क्या है कि अपने आप को पतला करने के लिए एक फैट कटर लेते हैं। फैट कटर कई सारे होते हैं, फैट कटर या फैट बर्नर भी बोलते हैं इसको। नंबर ऑफ ड्रग्स आते हैं, जैसे एक आता है जो ब्लैक मामा होती है जिसका नाम है, तो इस तरीके से नंबर ऑफ हमारे इस तरीके के फैट कटर होते हैं। सेम वैसे ही होता है एक और जिसको बोला जाता है लॉर्केसिन। इस लॉर्केसिन में होता क्या है कि आप जब भी सपोज आपने अगर खाया, सपोज मान लीजिए खा लेते हैं, कभी खाइएगा नहीं वैसे दिक्कत होती है, इसमें होता क्या है कि आपने खा लिया तो आपके पेट में मतलब स्टमक में बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, आपको जलता हुआ लगेगा। उसके कारण से क्या होगा कि आपको भूख नहीं लगेगी, और जब भी आप भूख नहीं लगेगी, आप हंगर फील नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली धीरे 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 आपकी फैट लूज होती जाएगी। लेकिन ये प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम क्या है, ऐसा साइंटिस्ट ने पाया, पहले यूएस वालों ने पाया था, नाउ इंडिया ने भी इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि इस तरीके के ड्रग लेने से कैंसर हो सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कैंसर, हाई चांस इज देयर। और यही चीज कहा गया है कि जो भी डॉक्टर या जो भी इस तरीके का काम कर रहे हैं, जो भी इस तरीके की ड्रग सेल आउट कर रहे हैं, तो उनको ये कहा गया है कि आप इस ड्रग्स को मत दीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया क्या चीज है। लॉर्केसिन इज अ वेट लॉस ड्रग एंड यूएस ड्रग फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मेंशन दैट इट इज लिंक्ड टू अ पॉसिबल इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ कैंसर। इट रिड्यूसेस एपेटाइट बाय एक्टिवेटिंग अ टाइप ऑफ सेरोटोनिन रिसेप्टर इन अ रीजन ऑफ ब्रेन कॉल्ड हाइपोथैलेमस विच इज नोन टू कंट्रोल एपेटाइट। तो यही चीज है कि भूख लगने वाली जो चीज होती है उस चीज को खत्म कर देता है, ये भूख नहीं लगेगी और अल्टीमेटली आपको इस तरीके की चीज हो जाएगी। तो लेकिन कैंसर कॉजिंग है मत लीजिएगा, प्रॉब्लमेटिक होती है, एक्सरसाइज करिए, उसके थ्रू वेट लॉस करिए। ओके, नेक्स्ट होती है हमारी योंगले ब्लू होल के बारे में। अगेन देखिए ये क्या चीज है, ये एक मरीन फिनोमिना है। होता क्या है इसमें, जैसे मान लीजिए कि थोड़ा सा ज्योग्राफी में हम लोग आ रहे हैं, मान लेते हैं कि हमारी ये मरीन सरफेस है, सपोज दिस इज आवर मरीन सरफेस। इस मरीन सरफेस में क्या होती है, मरीन लैंडफॉर्म्स होती हैं। लैंडफॉर्म्स का मतलब क्या हो गया, जो भू आकृतियां होती हैं उनको लैंडफॉर्म्स बोला जाता है, जो भी टोपोग्राफी होती है कह सकते हैं आप। तो मरीन टोपोग्राफी में कई सारी चीजें होती है, जैसे एक होता है जिसको बोला जाता है रिज हो सकती है, या फिर इसमें ट्रेंच हो सकती है, या फिर नंबर ऑफ चीजें यहां पर हो जा रही होती हैं। ओके, तो अब इससे होता क्या है, जब कोई ट्रेंच इस तरीके से काफी बड़ी हो जाती है तो एक केव का शेप ले लेती है। इस केव के शेप में होने के कारण से होता क्या है, दिस इज जनरली सर्कुलर इन नेचर, जनरली सर्कुलर इन नेचर होता है। तो अब होता क्या है यहां पर, कि यहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक से नहीं हो पाती है, और यहां पर एनएरोबिक बैक्टीरिया या एनएरोबिक जो भी स्पीसीज है वो यहां पर आ जा रहे होते हैं। इसमें जो भी रेन वाटर है या जो कुछ भी है वो यहां पर नहीं आता है, और इसका कलर ब्लू हो जाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं योंगले ब्लू होल। क्लियर हो गया क्या चीज है, कि समुद्र के अंदर में एक केव लाइफ स्ट्रक्चर बन जाता है विच इज जनरली सर्कुलर इन देयर नेचर। यहां पर पानी इकट्ठा हो जाता है, और पानी जो होता है वो एनएरोबिक होता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई यानी डिजॉल्व ऑक्सीजन नहीं होते हैं, इस कारण से वहां पर एनएरोबिक स्पीसीज ही केवल और केवल पाए जाते हैं।
कार्बन मोर देन 8000 ईयर ओल्ड हैज बीन फाउंड इनसाइड द डीपेस्ट ब्लू होल योंगले। तो ये है कंटेक्स्ट, कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है कंटेक्स्ट क्या है, लेकिन ये तरीका क्या है या ये फिनोमिना क्या है ये इंपॉर्टेंट है। द डीपेस्ट नोन मरीन कैवर्न इज द योंगले ब्लू होल विच मेजर्स रफली 300 मीटर फ्रॉम टॉप टू द बॉटम। अब क्वेश्चन ये उठता है ये है कहां पर, ये देखिए दो जगह पर है, एक है हमारा साउथ चाइना सी में और दूसरी है बहामास में, दूसरी है हमारी बहामास। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो ब्लू होल्स आर मरीन कैवर्न फिल्ड विद वाटर एंड आर फॉर्म्ड फॉलोइंग डिसोल्यूशन ऑफ कार्बोनेट रॉक्स यूजुअली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबल सी लेवल राइज एंड फॉल। तो ये चीज हो जाती है, तो आपको बेसिकली ये क्या चीज है इसके बारे में पता होना चाहिए। केवल देखिए करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा होते हैं और नियरली 1 to 2 ईयर आपको कवर करना होता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हर एक फैक्ट हर एक डेटा को आप रट्टा मारना शुरू कर दे, नहीं, आपको स्मार्टली काम करना होता है। आपको देखना है यूपीएससी के पास्ट ईयर पेपर्स के थ्रू यूपीएससी फोकस कहां कर रही है। तो यूपीएससी जब भी आप देखेंगे अगर इस तरीके की कोई टेक्निकल टर्म होती है तो वहां पर कभी भी आपसे डिटेल नहीं पूछेगा, वो आपसे पूछेगा केवल ये है क्या यही बता दो बस। डिटेलिंग कहां पूछी जाएगी, जो इंडियन चीज होगी या फिर जो इंडियन स्कीम होगी उन सब चीजों में आपसे डिटेलिंग पूछी जा रही होती है, नहीं तो करंट अफेयर्स में आपसे सरफेशियल पूछा जाएगा कि ये है क्या, बस ये है क्या वो बताइए आगे बढ़िए। ठीक है, तो हम लोग उसी तरीके से फोकस भी कर रहे हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर्स भी कवर कर लें और दूसरा हमारी प्रोबेबिलिटी जो एग्जामिनेशन में पूछे जाने की है हम उसी तक सीमित रहे, तो वी आर डूइंग बेसिकली स्मार्ट स्टडी। चलिए खैर, कमिंग बैक टू आवर करंट अफेयर्स, अगला करंट अफेयर्स है हमारा जो कि अगेन काफी इंपॉर्टेंट है, नाम से ही देखिए आप यहां पर पकड़ लेंगे क्या चीज है। देखिए एक है क्रेस्पिडो ट्रॉपिक्स एंड ग्रीटा थुनबर्ग। अब ग्रीटा थुनबर्ग का नाम आपने सुना होगा कि ये जो होते हैं नॉर्डिक कंट्री की या कह लीजिए कि ये स्वीडिश क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने क्लाइमेट चेंज पे काफी अच्छा स्पीच दिया था और तब से काफी ज्यादा न्यूज में बनी रहती हैं। और इस कारण से हुआ क्या है कि जितनी भी नए स्पीसी इस समय खोजे जा रहे हैं, चाहे वो इंसेक्ट के स्पीसी हो चाहे किसी भी प्रकार के अगर स्पीसी खोजे जाते हैं तो इन्हीं के नाम पर पड़ गया है। तो एक नया स्पीसी बेसिकली रिकवर किया गया है, एक नया स्पीसी डिस्कवर किया गया है जो कि बेसिकली स्नेल टाइप का है, ब्रुनेई से खोजा गया है। क्वेश्चन यह है कि ब्रुनेई कहाँ है, बताइए आप लोग कहां पर ब्रुनेई है कमेंट बॉक्स में। अब इसके लिए आप लोग वापस से आकर के मैप मत खोजिएगा, आप जब भी ब्रुनेई या इस तरीके की कंट्री आए दिमाग में तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक कर देना चाहिए कि किस कॉन्टिनेंट में है, नेबरिंग कौन कौन से कंट्रीज है, इतना ज्यादा आपको मैप स्टडी करना है। चलिए खैर, अब अगर बात करें ये नए स्पीसी के बारे में तो स्नेल की नई स्पीसी है जो कि ब्रुनेई में डिस्कवर की गई है और इसको इन्हीं के नाम पर ग्रेटा थुनबर्ग के ही नाम पर रखा गया है। इसके अलावा एक और नया एक और बीटल खोजा गया था, इंसेक्ट खोजा गया था और उसका भी नाम इन्हीं ग्रेटा के नाम पर रखा गया था, नाम इसका रखा गया था नेलोप्टोड ग्रीटे। अब देखिए इतना टफ टफ नाम है कैसे याद करेंगे, आप ऐसे याद कर लीजिए थोड़ा सा न्यूमोनिक्स बना करके याद कर सकते हैं कि क्रिस्पर ग्रीटा थुनबर्ग, बात खत्म। अब आप जब भी आप देखेंगे तो आप तुरंत क्लिक कर जाएगा आपका, ठीक है। तो आपको बेसिकली क्या है कि आइडिया होना चाहिए करंट अफेयर्स में क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है और आप ऑब्जेक्टिव तरीके से ही स्टडी भी कर रहे हो। यहां पर क्या है नेलोप्टोड ग्रीटी, ये तो खैर आसान है तो आप आराम से याद भी कर सकते हैं। चलिए खैर, इसी तरीके से जो हमारे एक्टर हैं लियोनार्डो डिकैप्रियो उनके नाम पर भी एक स्पीसी का नाम पड़ा हुआ है, उसका भी नाम लियोनार्डो से ही रिलेटेड है, तो आपको ये पता होना चाहिए क्या चीज है। और वो जो लियोनार्डो डिकैप्रियो के नाम पर रखा गया था वो 2018 में एक स्पीसी खोजी गई थी उसके उनके नाम पे इस स्पीसी का नाम रखा गया था और फिलहाल ये दोनों के दोनों 2019-2020 की न्यूज है। क्लियर हो गया क्या है? चलिए खैर आगे बात करते हैं। आगे हमारा साइंस एंड टेक का अगेन एक और छोटी सी करंट अफेयर्स है, हालांकि उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट हाँ क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इस टर्म से मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन। देखिए होता क्या है, जनरली अगर किसी को कैंसर होती है तो कैंसर में अलग अलग स्टेजेस होती है, स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 स्टेज 4। तो अगर इनिशियल स्टेजेस में अगर आप पकड़े जाते हैं, अगर वो डायग्नोज कर लिया जाता है तो आप एक सेफ पोजिशन में रहते हैं कि आपकी कीमोथेरेपी वगैरह करके अल्टीमेटली ऑपरेट करके वो चीज आप बच सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप काफी लेटर पार्ट ऑफ स्टेज में पहुंच जाते हैं और उस समय आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है तो डॉक्टर्स भी एक पूरी तरह से सेफ नहीं रहते हैं कि यार ये बच ही जाएगा या हम सेफ इनका ट्रीटमेंट कर ही देंगे। लेकिन डॉक्टर्स ने ऐसा पाया
कि यार कुछ मरीज तो ऐसे हैं जो अचानक से काफी तेजी से इंप्रूवमेंट दिखा देते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पूरे का पूरा कैंसर ही उसके अंदर से खत्म हो जाता है। तो डॉक्टर्स ने बोला कि इस तरीके की कोई मेडिकल या साइंटिफिक कोई यहां पर सोल्यूशन नहीं है, दिस इज जस्ट अ मिरेकल। और इसी मिरेकल को बोला था स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन, कि अचानक से ये अपने आप को रिकवर कर जा रहे हैं। डॉक्टर से पूछा गया ऐसा हुआ क्यों, क्या ऐसे कोई एंजाइम, क्या ऐसे कोई प्रोटीन या कोई हार्मोन बॉडी में डेवलप हो रही है क्या? इन्होंने कहा देखिए दिस इज बेसिकली मेंटल। अगर व्यक्ति साइकोलॉजिकली या मेंटल तरीके से ही अपने आप को यह समझाना शुरू कर दे कि उसे कुछ नहीं हुआ है, और इस तरीके से अगर वो बिहेव करना शुरू कर दे, तब उसके अंदर में इस तरीके की फिनोमिना स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन पाया गया है। तो स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन का मतलब समझ में आ गया, तो पेशेंट समटाइम्स मेक मिराकुलस रिकवरी फ्रॉम सीवियर एलिमेंट्स, दिस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस हीलिंग और स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन। अ पेशेंट इंप्रूव अनएक्सपेक्टेडली फ्रॉम अ डिसीज दैट यूजली प्रोग्रेस सच एज कैंसर एंड एट टाइम्स इज इवन क्यूर्ड, सच केसेस नॉट विदस्टैंडिंग द मेडिकल फ्रेटर्निटी इज ऑफन स्केप्टिकल एंड टेक्स मिराकुलस रिकवरीज एज फ्लूक्स। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो यहां पर क्या है, कोई एज सच बहुत बड़ी साइंटिफिक टर्म नहीं है, दिस इज जस्ट अ मेडिकल टर्म, या फिर कह सकते हैं दिस इज साइकोलॉजिकल बेसिकली। क्लियर है? इसके बाद देखिए एक और स्पीसी है जिसका नाम है हेनेगुया साल्मिनोकोला। अब ये क्या चीज है पढ़ते हैं पहले। देखिए साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड इस एनिमल हेनेगुया साल्मिनोकोला विच डज नॉट नीड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी नीडेड फॉर इट्स सर्वाइवल। अब देखिए इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, ये एक सालमन की स्पीसी है, सालमन के अंदर में एक तरीके का ये कह लीजिए कि पैरासाइट है जिसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, ये एनएरोबिक है, दिस इज एनएरोबिक, और ये पाया जाता है सालमन के अंदर में। सालमन इज अ टाइप ऑफ फिश जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्केट में काफी इसकी वैल्यू है। तो इस पैथोजन को या कह सकते हैं इस पैरासाइट को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, दे प्रोड्यूस द एनर्जी नीडेड फॉर इट सर्वाइवल। अभी क्या होता है, कभी भी आप देखे होंगे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है कि दिस इज पावर हाउस ऑफ सेल, यहीं पर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है। तो चूंकि इसके अंदर में ऑक्सीजन जा नहीं रहा है, इसका मतलब है कि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होना चाहिए, और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता भी नहीं है, तो फिर ये एनर्जी लाता कहां से है? ये एनर्जी अपने अंदर सेल्फ जनरेट कर रही होती है। तो इट इज अ टाइनी लेस देन 10 सेल पैरासाइट विच लिव्स इन मसल्स ऑफ सालमन फिश, इट डज नॉट हैव ए माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम। क्लियर हो गया क्या चीज है? इट इज अ रिलेटिव ऑफ जेलीफिश एंड कोरल, एंड एज इट इवॉल्व इट गेव अप ब्रीदिंग एंड कंज्यूमिंग ऑक्सीजन और बिकम एनारोबिक टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो इस तरीके से चीजें होती हैं। तो आपको क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो चीज है हेनेगुया साल्मिनोकोला, ये है क्या? तो आप बता देंगे एक तरीके का पैरासाइट है जो कि सालमन फिश में पाई जाती है, ये एनारोबिक होती है और उसके अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। आगे बात करते हैं, आगे देखिए एक छोटी सी मीटिंग हुई है जिसका नाम है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डायग्नोसिस एंड टर्मिनोलॉजीज इन आयुर्वेदा यूनानी सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो बेसिकली आयुष की एक मीटिंग हुई है, एक तरीके से कह सकते हैं, जो न्यू दिल्ली में हुई है, और उसी का नाम रख दिया गया है, ये बड़ा सा जो नाम रखा गया है 2020। हालांकि देखिए यूपीएससी कॉन्फ्रेंसेस मीटिंग सबमिट इस पे उतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछती है, बट स्टिल ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि दिस इज रिलेटेड विद आयुष, आयुष से रिलेटेड है, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाती है, और आयुष काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिलहाल के लिए, तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। द कॉन्फ्रेंस वॉज ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज बाई मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड WHO एट न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन कलेक्शन क्लासिफिकेशन कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन डायग्नोस्टिक डेटा वॉज मेड इन द कॉन्फ्रेंस। तो खैर चलिए इससे कोई मतलब नहीं है, यहां पर आप कह सकते हैं कि आयुष मिनिस्ट्री या आयुष की जितनी भी चीजें हैं उसी को प्रमोट करने, उसी के बारे में लोगों को अवेयर करने के बारे में ही पूरा का पूरा ये मीटिंग है। आगे बात करें तो देखिए एक और है, छोटी सी न्यूज है, एंड दिस इज रिलेटेड विद टॉप्स। टॉप्स का मतलब क्या है? टोमेटो ओनियन एंड पोटैटो। देखिए एक स्कीम निकली हुई थी, प्राइस स्टेबिलाईजेशन स्कीम। प्राइस स्टेबिलाईजेशन में होता क्या है कि जब भी टमाटर आलू प्याज टोमेटो ओनियन पोटैटो इनकी अगर प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही होती है तो इस प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड के थ्रू इनको स्टेबिलाईज रखा जाता है। मतलब मान लीजिए अगर 20 रुपए किलो अगर आलू मिल रही है, प्याज मिल रही है, तो अचानक से इसका दाम कभी 25 रुपए 50 रुपए 100 रुपए इस तरीके से चला जाता है।
हालांकि दीज आर वेरी इसेंशियल फॉर एनी हाउस होल्ड और इसीलिए इसके प्राइस को वोलेटाइल नहीं बनाने के लिए एक फंड अलग से बना दिया गया है जिसका नाम है प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड। लेकिन फिलहाल किया क्या गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ने एक नया पोर्टल जारी कर दिया है। जिस तरीके से शेयर मार्केट की पोर्टल होती है वैसे ही एक पोर्टल जारी कर दिया है जिसका नाम है मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम। यहां पर होगा क्या कि जो टॉप्स है, टॉप्स का मतलब कि आपके टोमेटो ओनियन एंड पोटैटो, इसकी प्राइस, इसकी प्रोक्योरमेंट, इसकी यील्ड, इसकी प्रोडक्शन, मतलब ए टू जेड फ्रॉम द फार्म टू द मार्केट, सारी चीजें इसके बारे में इस पोर्टल पर अवेलेबल रहेंगी। इसकी प्राइस क्या है, कैसे है, तो ये पोर्टल पे अवेलेबल रहेगी जिससे कि हम प्राइस स्टेबिलाईजेशन और जो इससे रिलेटेड जो भी जनरेशन है, जो भी प्रोडक्शन है, उसको हम लोग मॉनिटर करते रहे और हम लोग अकॉर्डिंगली एक्शन लेते रहे। तो दिस इज बेसिकली अ पोर्टल जिस पर हम अपने कह सकते हैं कि प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड को आश्रित करा देंगे, डिपेंडेंट करा देंगे और अकॉर्डिंगली हम लोग टोमेटो ओनियन और पोटैटो इनके प्राइस में जो वोलेटिलिटी है उसको मिनिमम से मिनिमम रखने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज साइंटेंसेक का करंट अफेयर्स। आगे बात करते हैं एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में। सबसे पहले एक करंट अफेयर्स है जिसका नाम है सुपर जायंट स्टार बेटलगीज। अब ये क्या है, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं स्टार के बारे में। हालांकि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता रखा है पुराने करंट अफेयर्स में, फटाफट उसको रिवाइज करते हैं दो मिनट में। जैसे मान लेते हैं कोई एक स्टार है, स्टार की भी अपनी एक एज होती है, पहले वो यंग होंगे, मैच्योर होंगे, फिर उसके बाद से सेनाइल एज में आ जाएंगे और अल्टीमेटली क्या होगी, ब्रेकिंग हो जाएगी। ब्रेकिंग होने पे देयर इज अ टू पॉसिबिलिटी, दो पॉसिबिलिटी होती है। अगर इसका जो मास है, स्टार का ये जो मास है, अगर मास ऑफ स्टार अगर सन से ज्यादा होता है तो ये ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाती है, ब्लैक होल में। और अगर सन से कम रहता है, सन से कम रहने का मतलब 1.44 इंटू मास ऑफ सन, मास ऑफ सन, यहां पर भी 1.44 इंटू मास ऑफ सन, अगर ये कम होता है तो ये सोलर सिस्टम में तब्दील हो जाता है, सोलर सिस्टम, और यहां पर ब्लैक होल बन जाता है। क्लियर हो गया क्या चीज है? ये जो 1.44 वाला जो सिस्टम, ये फॉर्मूला है, ये बताया किसने था, ये बताया था चंद्रशेखर ने, और इसी को बोलाता है चंद्रशेखर लिमिट। क्लियर हो गया? इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल ऑलरेडी करंट अफेयर्स के पुराने वीडियोस में डिस्कस कर रखे हैं, ये तो जस्ट एक आपको रिवीजन हुआ था। तो सिमिलरली जो है इसी तरीके का एक सुपर जायंट स्टार पाया गया है जो कि बड़े से अब छोटा होना शुरू हो गया है, और ये जो छोटा हो रहा है उसमें बेसिकली अब हो क्या रहा है कि द स्टार, ये जो बेटलगीज स्टार है, दिस हैज कम इन इट्स सेनाइल एज, और अब ये या तो ब्लैक होल में कन्वर्ट होगा या फिर सोलर सिस्टम में कन्वर्ट होगा, डिपेंडिंग ऑन द मास ऑफ दैट स्टार। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो अब ऑब्वियस सी बात है, यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज ओवर 20 टाइम्स बिगर देन सन, तो सन से काफी ज्यादा बड़ा है, 20 टाइम्स मतलब 20 इंटू सन का मास, यानी ये बनेगा क्या, ये बनेगा अपना ब्लैक होल। क्लियर? अलॉन्ग विद डिमिंग द स्टार शेप हैज बीन चेंजिंग एज वेल, व्हाइल बेटलगीज बिहेवियर इज आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, इट डज नॉट मीन दैट एन इरप्शन इज इमिनेंट, सिंस एस्ट्रोनॉमर प्रेडिक्ट द स्टार टू ब्लास्ट सम टाइम। तो ये चीज है, सेनाइल एज में आ जाएगी तो इस तरीके से ब्लास्ट वगैरह हो जाएगी। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि रिसेंटली बेटलगीज वॉज इन न्यूज और ये किससे रिलेटेड है, तो आप बता देंगे क्या है ये किससे रिलेटेड है, ये एक स्टार है जो कि अपने सेनाइल एज में और ये ब्लास्ट होने वाला है। अगला है होप स्पेसक्राफ्ट के बारे में। होप मार्स मिशन इज ऑल्सो कॉल्ड एमिरेट मार्स मिशन, इट इज अ प्लांट स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोब मिशन टू मार्स फंडेड बाई UAE एंड बाकी सब चीजें। अब देखिए हो क्या रहा है, दिस जो होप स्पेसक्राफ्ट है ये है UAE का, हालांकि इन्होंने बनाया नहीं है, इन्होंने बनाया तो बाकी लोगों ने है, कोलोराडो एरिजोना एंड ऑल दैट बाकी सब चीजें है, लेकिन ये मिशन जो है वो है किसका, UAE का, और इसको लॉन्च किया जाएगा 2020 में, लॉन्च करने की बात हो रही है मार्स मिशन के लिए। मार्स मिशन के लिए ऑलरेडी हम लोगों ने काफी कुछ डिस्कस किया हुआ है जो हमारे नासा का है और उसी से रिलेटेड हमारा खुद का इंडिया का भी है और उसी तरीके से UAE का भी है जिसका नाम है होप स्पेस क्राफ्ट। क्लियर हो गया क्या चीज है? बस आपको ये याद रखना है कि होप स्पेस क्राफ्ट किससे रिलेटेड है, UAE से रिलेटेड है। बाकी इसके डिटेलिंग के बारे में आपको बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है, डिटेलिंग UPSC कोई चीज दूसरे कंट्री का जो होता है वो नहीं पूछती है। इसके बाद देखिए एक छोटा सा टर्म और है, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन होता है ये टेक्निकल टेक्सटाइल क्या होता है, टेक्सटाइल तो सुना था लेकिन ये टेक्निकल टेक्सटाइल वाली चीज क्या है। देखिए टेक्निकल टेक्सटाइल का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे टेक्सटाइल, कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो टेक्निकल यूज लिया जाता है, जैसे
गाड़ियों में जितने भी टेक्सटाइल का काम होता है वो टेक्निकल होता है, मेडिकल इक्विपमेंट्स या मेडिकल टेक्सटाइल बनाने के लिए जितनी भी चीजों का यूज होता है वो टेक्निकल होता है, इंजीनियरिंग गुड्स के लिए वो टेक्निकल हो जाता है, लैब वर्क के लिए टेक्निकल हो जाता है। तो इस तरीके की जो भी टेक्सटाइल होती है जो कि दिखावे के लिए सुंदरता के लिए नहीं होती है उसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल। क्लियर हो गया टेक्निकल टेक्सटाइल का मतलब क्या है? जहां पर किसी टेक्निकल काम के लिए यूज किया जाए, चाहे वो मेडिसिनल हो, चाहे वो इंजीनियरिंग के लिए हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल के लिए हो, इस तरीके की चीजों को हम लोग बोलते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल। अब ये नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन क्या है, फिलहाल में हुआ क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस टेक्निकल टेक्सटाइल के प्रोडक्शन को और उसके मैन्युफैक्चरिंग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रही है और यही इसका ऑब्जेक्टिव है। क्या ऑब्जेक्टिव क्या है? फोकस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मार्केट, एक्सपोर्ट प्रमोशन, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट इन टेक्निकल टेक्सटाइल। तो रिसर्च किया जाएगा, पढ़ाया लिखाया जाएगा, एक्सपोर्ट भी किया जाएगा और बाकी इनोवेशन वगैरह करने में फोकस किया जाएगा। तो दिस इज नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। अच्छा, ये किस में आएगी, किस मिनिस्ट्री में आएगी, आप लोग बताइएगा किस मिनिस्ट्री में आएगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि इसकी मिनिस्ट्री कौन सी होने वाली है, मिनिस्ट्री कौन सी होगी। ठीक है, दिस इज योर करंट अफेयर्स। ये एक मैंने आप लोग को बोला ब्रुनेई कहां पे है और दूसरा हो गया मिनिस्ट्री। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमारी एक और छोटी सी मिशन है जिसका नाम है आदित्य L1 मिशन। आदित्य तो समझ में आ रहा है, L1 क्या चीज है? L1 के लिए देखिए आपको एक चीज समझने की जरूरत है और वो है लैग्रेंजियन पॉइंट। दिस इज बेसिकली लैग्रेंजियन पॉइंट। क्या चीज होता है लैग्रेंजियन पॉइंट? अब देखिए हमारे पास तीन बॉडी होती है, हमारे यहां पर तीन बॉडी कौन कौन सी है? एक बॉडी होती है जो होती है हमारी मून, दूसरी बॉडी है जो है सन, और तीसरी बॉडी है जो है हमारी अर्थ। अब देखिए तीन बॉडी में बेसिकली क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। यहां पर इन दोनों के बीच में लगेगा, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा? जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मून अपॉन इन दोनों के बीच का होल स्क्वायर। सिमिलरली अर्थ और सन के बीच में लग रहा होगा जी मास ऑफ सन मास ऑफ अर्थ अपॉन इन दोनों के बीच का होल स्क्वायर। अब होगा क्या कि ये दोनों के दोनों कुछ ऐसे पॉइंट अर्थ के ट्रेजेक्टरी के दौरान में आएंगे जहां पर F1 और F2 बराबर हो जाएगा और एक दूसरे के अपोजिट होगा और अल्टीमेटली इस पॉइंट पे नेट फोर्स बराबर कितना हो जाएगा? जीरो। चूंकि यहां पर नेट फोर्स जीरो है इसलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल पोजीशन कहलाएगी। यहां पर आपको या कोई भी आइटम अगर रखना है, सैटेलाइट रखना है, टेलीस्कोप रखना है, कुछ भी रखना है अगर, तो यहां पर आपको इंजन या फिर एनर्जी की जरूरत नहीं होगी क्योंकि यहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा है। तो अर्थ के ट्रेजेक्टरी में अगर बात करें तो बेसिकली हमारे पास पांच ऐसे पॉइंट मिलते हैं, साइंटिस्ट के हिसाब से पांच ऐसे पॉइंट मिलते हैं जहां पर नेट फोर्स जीरो होती है। इसी पॉइंट को बोला जाता है लैग्रेंजियन पॉइंट, जैसे L1, L2, L3, L4, L5। क्लियर हो गया क्या चीज है? ये होती है 60 डिग्री, यहां पर भी ये 60 डिग्री है और इस तरीके से हम लोग अपना लैग्रेंजियन पॉइंट समझ गए। अब देखिए किस पॉइंट पे रखा क्या क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरली मिलेगा नहीं आपको। L1 पे रखा गया है आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 ये क्या है? ये एक स्पेसक्राफ्ट है जो कि सन को स्टडी कर रहा है। क्लियर हो गया क्या चीज है? L2 पॉइंट पे रखा गया है जेम्स वेब टेलीस्कोप। जेम्स वेब टेलीस्कोप ये क्या है? ये स्पेस के बाकी चीजों को स्टडी कर रहा है, जैसे एस्ट्रॉयड हो गया या फिर आसपास की जो भी एक्सोप्लैनेट्स हो गए उनको ये स्टडी कर रहा होता है, जेम्स वेब टेलीस्कोप। सिमिलरली L3 पर देखिए अभी कुछ भी नहीं रखा गया है क्योंकि हम यहां तक स्टडी नहीं कर पाए हैं। L4 पे रखा गया है ऑसिरिस रेक्स। ऑसिरिस रेक्स इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ टेलीस्कोप जो कि बेनू एस्टेरॉयड को इसी ने बताया है कि भाई आएगा और अर्थ से लड़ेगा। बेनू एस्टेरॉयड के बारे में इसी ने बताया है। दिस इज ऑल्सो ए टेलीस्कोप। क्लियर हो गया क्या है? L5 के बारे में अगर बात करें तो L5 पे रखा हुआ है स्प्लिट्जर। स्प्लिट्जर नासा का स्प्लिट्जर स्पेस टेलीस्कोप। स्पेस टेलीस्कोप इसका काम क्या है? सेम काम जो वही जेम्स वेब का है, क्या कि एक्सोप्लैनेट को ढूंढना, एस्टेरॉयड के बारे में बताना। तो ये थी हमारी पूरी के पूरी लैग्रेंजियन के पॉइंट के बारे में और कहां पर कौन सा मिशन क्या काम कर रहा है। वापस आते हैं और अपने आदित्य L1 मिशन पे जरा देखते हैं। आदित्य L1 ऑफ ISRO विल बी फर्स्ट साइंटिफिक एक्सपेडिशन टू स्टडी सन बाई इसरो। तो इसरो के द्वारा ये सन को स्टडी करने के लिए L1 पे रखा जाएगा। इट विल ऑब्जर्व द सन फ्रॉम ए क्लोज डिस्टेंस एंड ट्राई टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स एटमोस्फियर एंड मैग्नेटिक फील्ड।
हालांकि मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करने के लिए हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक और इसी तरीके के मिशन को डिस्कस किया था जिसका नाम था नेशनल सोलर प्रोब। इसके अलावा बहुत सारे और भी मिशंस हैं जो दूसरे कंट्रीज के, जैसे नेशनल सोलर प्रोब ये है किसका, नासा का। सिमिलरली एस्ट्रोसाइट भी है जो कि अगेन किसको स्टडी करता है, सन को ही स्टडी करता है, नासा का प्रोग्राम है। इसके अलावा एक और है जिसका नाम है पार्कर मिशन। पार्कर मिशन ये भी क्या है, नासा का है और करता क्या है, सन की स्टडी कर रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग कंट्रीज ने अपने अपने मिशंस भेजे हुए हैं, अपने अपने स्पेस स्पेसक्राफ्ट वगैरह भेजे हैं, सैटेलाइट वगैरह भेजे हैं जिसके थ्रू ये लोग स्टडी कर रहे होते हैं सन की। क्लियर हो गया क्या चीज है? ओके नाउ नेक्स्ट थिंग। अब कुछ छोटे मोटे टिडबिट्स हैं, जैसे एक है नदन यूरोपियन इनक्लोजर डैम। अब ये क्या चीज है पहले समझ लेते हैं, फिर देखेंगे क्या चीज है। देखिए ग्लोबल वार्मिंग काफी बढ़ते आ रही है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण से जो सी लेवल का है राइज हो रहा है, सी लेवल राइज कर रही है। इस सी लेवल राइज करने के कारण जो भी आइलैंड नेशंस हैं उनको एक थ्रेट है कि वो एक डूब जाएंगे। तो इस कारण से हुआ क्या है कि जो यूरोपियन एजेंसी है, यूरोपियन नेशंस है, वो मिलकर क्या उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं यार, बना देते हैं डैम, ना पानी उठेगा अगर तो इसी के अंदर ही रह जाएगा, बाहर नहीं जाएगा, और जितने भी आइलैंड वगैरह हैं वो खतरे में नहीं आएंगे। और यही पूरा का पूरा मिशन है नदन यूरोपियन इनक्लोजर डैम का। मतलब क्लियर हो गया क्या है? अब देखिए यहां पर है क्या, साइंटिस्ट हैव प्रपोज्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ नदन यूरोपियन इनक्लोजर डैम इनक्लोजिंग ऑल द नॉर्थ सी टू प्रोटेक्ट इकोनॉमिक रीजन ऑफ 15 नदन यूरोपियन कंट्रीज फ्रॉम सी लेवल राइज एज अ रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो नॉर्दर्न सी के चारों ओर ये बेसिकली क्या है, डैम लगाने की बात कर रहे हैं। दो डैम बेसिकली कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, एक किया जाएगा नदन स्कॉटलैंड के पास में और दूसरा किया जाएगा नॉर्वे के पास में। अगर दोनों की लोकेशन देखेंगे तो देखिए इस तरीके से आपको मिल जाता है आपका यूरोप का पार्ट, यहां पर आपको मिल जाता है यूके का पार्ट, यहां पर आपको छोटा सा और पार्ट मिल जाएगा ग्रीनलैंड का पार्ट। अब ये ग्रीनलैंड इधर हो जाता है, दिस इज बेसिकली आयरलैंड, ये है हमारा स्कॉटलैंड वगैरह आ जाती है। तो एक बनेगी इधर से और दूसरी बनेगी इधर से, और इस तरीके से अंदर का पानी यहीं पर रोक दिया जाएगा और इधर का पानी भी अंदर ना आने पाए। तो इस तरीके से पूरा का पूरा डेवलपमेंट किया जा रहा है और इस तरीके से आइलैंड नेशंस को बचाने की बात कही जा रही है। एंड द सेकेंड बिटवीन फ्रांस एंड साउथ वेस्ट इंग्लैंड। चलिए खैर ये तो आपको समझ में आ गया है क्या चीज है। अच्छा इसके अलावा हम लोगों ने एक वाई शेप वाटरवे के बारे में भी बात किया था, जहां पर अलग अलग जो सीज हैं उनको कनेक्ट करने की बात की जा रही है। जैसे ब्लैक सी के बारे में बात किया था हम लोग, बाल्टिक सी के बारे में बात किए थे हम लोग, नॉर्डिक सी के बारे में बात किए थे, और ये जो लिंक मिल रही थी वो कहां मिल रही थी, चेक रिपब्लिक में मिल रही थी। तो पुरानी चीजें भूलनी नहीं है, पुराना भी करंट अफेयर्स याद करके रखे रहना है। आगे देखिए नेक्स्ट है हमारी स्कीम फॉर फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ एफपीओ। एफपीओ का मतलब क्या होता है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है अब देखिए प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कुछ नहीं होता है, एक तरीके से समझ लीजिए एक तरीके का यूनियन होता है। जैसे मान लीजिए कि जो फिशरमैन होते हैं वो अपना एक यूनियन बना के रखते हैं, इनको बोलते हैं प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। सिमिलरली मान लीजिए कि फार्मर है तो फार्मर जो है अपना प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, इसको हम लोग बोल देंगे एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो एक तरीके का किसान यूनियन आप बोल सकते हैं, फार्मर यूनियन आप बोल सकते हैं। तो यहां पर किया क्या गया है, इट वुड बी न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम टाइटल्ड फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन टू फॉर्म एंड प्रमोट 10,000 न्यू एफपीओस। तो नए नए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन वगैरह बनाए जाएंगे। बनाया क्यों जा रहा है, ताकि ये कोऑपरेटिव्स के साथ मिलकर के काम करे और ज्यादा से ज्यादा फंड्स पाए और ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस निकाले अपने खेत से, अपने फार्म से, और इस तरीके से इकोनॉमी का डेवलपमेंट करें। इनिशियली देयर विल बी 3 इंप्लीमेंटिंग एजेंसी। कौन कौन सी होंगी, एक तो हमारी जो पुरानी होती है SFAC हो जाएगी, स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, दूसरी नाबार्ड तो होती ही होती है, ये तो जहां पर भी रूरल एरिया आएगा नाबार्ड आएगी। इसके अलावा देखिए एक और कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भी आ जाएगी जो इस स्कीम को डेवलप करने में अपनी सहायता दे रही होगी। इसके अलावा देखिए ये तो नेशनल सेक्टर की हो गई, स्टेट वाले भी चाहें तो अपनी कोई ना कोई एक एजेंसी लगा सकते हैं और इस तरीके से ये एफपीओ को फॉर्मेशन और उनके प्रमोशन में हेल्प कर सकते हैं। एफपीओ विल बी प्रमोटेड अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। जिस तरीके से जैसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग प्रोडक्ट हो जाते हैं, जैसे मेरठ में स्पोर्ट्स हो गया, गोरखपुर में टेराकोटा हो गया, लखनऊ में चिकन वाली जो कपड़े वगैरह हो जाते हैं, तो इस तरीके से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बेसिस पे इनको काम कराया जाएगा, मार्केटिंग और ब्रांडिंग इनकी की जाएगी। क्लियर हो गया क्या चीज है कि पूरा एफपीओ का मतलब क्या है। चलिए खैर आगे बात करते हैं।
इसके बाद देखिए कुछ छोटी छोटी कमिटीज बनाई गई हैं अलग अलग चीजों के रिकमेंडेशन लेने के लिए। जैसे एक है संजीव पुरी पैनल ऑन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, ये एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए पैनल बनाया गया है, नाम याद रखना है, और ये पूरा बुलेट पॉइंट जितना मैंने बनाया हुआ है ये आपको याद रखना है। इसके बारे में देखें, इट इज टू रिकमेंड मेजर परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स फॉर स्टेट टू इनकरेज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट एज वेल एज टू प्रमोट क्रॉप टू इनेबल हाई इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट। तो इसमें कुछ बताने वाली चीज नहीं, आप समझ रहे हैं। इसके अलावा देखिए एक और बनाई गई है विप्लव कुमार शर्मा कमेटी। हम लोगों ने कुछ दिन पहले बोडो एकॉर्ड के बारे में बात किया था और उनके डेवलपमेंट के बारे में बात किया था। हम लोगों ने कहा था कि देखिए बोडोलैंड जो होता है वो काफी ज्यादा दबा हुआ है और वो अपनी अब डिमांड मांगना शुरू कर दिया है। एज पार्ट ऑफ रिजल्ट बोडो कम्युनिटी के लोग और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में एक अकॉर्ड साइन हुआ है जिसका नाम है बोडो अकॉर्ड। इसी अकॉर्ड के रिपरकशंस को, इसी अकॉर्ड के कंक्लूजन को बेसिकली देखने के लिए जस्टिस विप्लव कुमार शर्मा के नेतृत्व में, गाइडेंस में एक कमेटी बनाई गई है। द हाई लेवल कमेटी ऑन कॉज 6 ऑफ असम अकॉर्ड विल सबमिट इट्स रिपोर्ट टू गवर्नमेंट ऑफ असम सून। तो बेसिकली यही चीज है, क्या है विप्लव कुमार शर्मा कमेटी का मतलब, क्लियर हो गया। इसके अलावा एक छोटा सा है न्यूज और बूढ़ा नाला के बारे में। बूढ़ा नाला जो है बेसिकली वो पंजाब गवर्नमेंट की एक स्कीम है, या पंजाब गवर्नमेंट में कह सकते हैं कि पंजाब में एक छोटा सा नाला है जो बेसिकली सतलज रिवर से कनेक्ट हो रहा होता है। ये नाला एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कुछ वाटर स्केयर्स रीजन के लिए एकमात्र पानी का, एकमात्र इरिगेशन का सोर्स बना हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहां पर क्या है कि पोल्यूशन हो गया है, एंड फॉर दैट पंजाब गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड 650 करोड़ इन द फर्स्ट फेज ऑफ रिजुविनेशन ऑफ हाई पोल्यूटिंग बूढ़ा नाला। इट इज अ सीजनल ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलज, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा ही, एंड इट इज अ सीजनल वाटर स्ट्रीम दैट रन्स थ्रू मालवा रीजन ऑफ पंजाब। तो जो भी सूखा रीजन है वहां पर ये काम कर जाती है। तो ये बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज अ टाइप ऑफ रिवर इंटरलिंकिंग, जहां पर सतलज का पानी मालवा तक पहुंचाने के लिए बूढ़ा नाला का हम लोग यूज कर रहे हैं। इसी तरीके से महाराष्ट्र गवर्नमेंट की भी स्कीम है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी सेम यही काम इसी तरीके के लिंकिंग कर रही है, और उसका अंडर स्कीम कौन सी है, इसका स्कीम का नाम है जलयुक्त सीवर, जलयुक्त सीवर। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो आपको नाम याद रखना है जलयुक्त सीवर किससे रिलेटेड है, ये एक तरीके से वाटर अवेलेबिलिटी से रिलेटेड है। किस गवर्नमेंट का है या किस स्टेट का है? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है। क्लियर हो गया क्या है? चलिए खैर आगे बात करें तो छोटी छोटी कुछ और भी स्कीम्स हैं, जैसे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। फ्रेट कॉरिडोर का मतलब होता है जो मालगाड़ियां, जो कह लीजिए कि फ्रेट ट्रेन्स होती हैं उनके बारे में। तो इसके लिए स्पेशली अलग से ट्रैक बिछाया जा रहा है जिसका नाम है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। नया नहीं है, पुरानी स्कीम है, काफी पुरानी, इनफैक्ट 2 साल पुरानी स्कीम है। और हुआ क्या है, अभी न्यूज में क्यों आया है, क्योंकि अब वर्ल्ड बैंक इसको पूरी तरीके से फंड करने को तैयार हो गया है। तो इस वजह से थोड़ी न्यूज में रही है, तो आपको यह ध्यान में रहना चाहिए कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या है। तो ये देखिए लुधियाना से, पंजाब से स्टार्ट होती है और डांकुनी वेस्ट बंगाल तक ये जा रही होती है। ये हुआ ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इसी तरीके से वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है जो मुंबई से स्टार्ट होती है और जाती है चेन्नई चंडीगढ़ तक, ठीक है। तो ये हमारी वेस्टर्न और ईस्टर्न दो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाई गई है। इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब ये है क्या, ये देखिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है, स्पेशल पर्पस व्हीकल जो बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड के द्वारा। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? द ऑब्जेक्टिव इज टू सपोर्ट फ्रेट मूवमेंट एज द ईस्टर्न कॉरिडोर विच स्टार्ट्स इन वेस्ट बंगाल एंड पासेस थ्रू स्टेट ऑफ, कौन कौन से स्टेट से गुजरेगी? देखिए वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के बाद ये आएगी बिहार, बिहार से पहले झारखंड आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से झारखंड के बाद उत्तर प्रदेश आ जाएगी, उत्तर प्रदेश के बाद फिर ये हरियाणा में पहुंचेगी, दिल्ली होकर के पहुंचेगी हरियाणा में, हरियाणा के बाद फिर पहुंच जाएगी ये पंजाब में। तो इस तरीके से पूरा का पूरा ये रूट बना हुआ है। क्लियर हो गया क्या चीज है? ओके, नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स है वो है तिलहन मिशन से रिलेटेड। तिलहन का मतलब होता है ऑयल सीड। ऑयल सीड हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो ऑयल सीड की काफी अच्छी पोटेंशियल हमारी फॉर्म दे रही होती है। हालांकि लोग उतना ज्यादा यूज नहीं करते हैं क्योंकि गेहूं जो वीट है और राइस है उसकी एमएसपी रिलेटिवली पल्स से ज्यादा है, इस वजह से जो होती है ऑयल सीड का ये लोग उतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करते हैं, जिसके कारण से हम लोग वर्ल्ड में पीछे हैं। अब पीछे कितना है? पीछे ये है कि हम लोग 4th लार्जेस्ट वेजिटेबल ऑयल इकोनॉमी है आफ्टर यूएस, चाइना एंड ब्राजील, बट वी आर कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा, ठीक है। टुडे द ऑयल सीड
अकाउंट ऑफ 13% ऑफ क्रॉप्ड एरिया इन द कंट्री, स्टिल इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ पाम ऑयल इन द वर्ल्ड. तो काफी लार्जेस्ट इंपोर्टर, देख ही रहे हैं आप लोग कितना ज्यादा हम लोग कंज्यूम करते हैं. मिशन का काम यह है कि हम लोग सेल्फ रिलायंट बन जाएंगे अपने ऑयल सीड में, क्योंकि कुछ कंट्रीज अभी फिलहाल हम लोगों को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे चुनौती दी हुई है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे चैलेंज की हुई है कि हम आपको अब ऑयल सीड नहीं देंगे. किस कंट्री ने बोला है या आपके कंटेक्स्ट की, आपके सिलेबस की कोई चीज नहीं है, इसलिए हमें जानने की भी जरूरत नहीं है. केवल आपको यह याद रखना है कि तिलहन मिशन इज रिलेटेड विथ, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, सेल्फ रिलायंस इन द ऑयल सीड. ठीक है, और बाकी ये थोड़े से आपको फैक्ट याद होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं. इसके अलावा देखिए बायोजेट से रिलेटेड एक करंट अफेयर्स है. बायोफ्यूल का मतलब हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं कि हमारी बायोफ्यूल का मतलब होती है एक तरीके से बायोलॉजिकल तरीके से जब हम कोई फ्यूल निकाल रहे होते हैं. इसके लिए 4 जनरेशन होती हैं. एक होती है जिसको हम लोगों ने बोला था फर्स्ट जनरेशन, जिसमें हम लोग फूड प्रोड्यूस को ले रहे होते हैं, जो फूड वगैरह होते हैं, गेहूं चावल ये सब हो गया. दूसरी होती है सेकेंड जनरेशन, जहां पर हम लोग फूड वेस्ट से ले रहे होते हैं, जैसे हमारी मान लीजिए जो ऑयल हो गई, जो ऑयल मतलब जो फैटी ऑयल होती है, जो जैसे समोसा छान दिए, अब उसके बाद समोसे वाली जो ऑयल बची हुई है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं बायोफ्यूल बनाने में. इसके अलावा जो भी क्रॉप वगैरह के रेसिड्यू बच जाते हैं वो सेकेंड जनरेशन फ्यूल बना दे रहे होते हैं. सिमिलरली थर्ड जनरेशन ये एल्गी से बन जाती है, फोर्थ जनरेशन ये बनती है जेनेटिकली मॉडिफाइड एल्गी से. तो ये 4 जनरेशन बायोफ्यूल्स हम लोगों ने ऑलरेडी देखे हुए हैं. हुआ क्या है कि अभी जो पेट्रोल टैंक यूज किया जाता है हमारे एयरक्राफ्ट में, उसमें 10% ब्लेंडिंग ऑफ बायोफ्यूल रखा गया और लेके एयरपोर्ट से उड़ान भरी और सक्सेसफुल रही. तो बेसिकली यही एक करंट अफेयर्स है कि क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं. क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बायोफ्यूल क्या है, बता देंगे आप. दूसरा पूछा जा सकता है कहां से रिसेंट में अभी फ्लाइट उड़ी है, तो आप बता देंगे लेह के एयरपोर्ट से उड़ी है. द फ्यूल इज मेड फ्रॉम जत्रोपा ऑयल सोर्स्ड फ्रॉम छत्तीसगढ़ बायोडीजल डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड देन प्रोसेस्ड एट CSIR IIP देहरादून. क्लियर है, तो ये थोड़ी सी अथॉरिटी के बारे में भी आपको याद रखना चाहिए. इसके अलावा देखिए एक छोटी सी न्यूज है, आस्क दिशा चैटबॉट. जैसे कभी भी आप IRCTC की वेबसाइट खोलेंगे, IRCTC की, तो वहां पर क्या होता है, तुरंत एक चैटबॉक्स खुल जाता है. चैटबॉक्स क्या होती है, आपको जो भी अगर इंक्वायरी, कोई भी क्वेश्चन अगर पूछना है तो आप यहां पर चैटबॉक्स को बताइए, चैटबॉक्स जो रहेगा वो आपको सोल्यूशन बताते जाएगा. करंट अफेयर्स में इसलिए है क्योंकि ये चैटबॉक्स अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में काम करना शुरू कर दिया है, और इसमें स्पीकिंग और टाइपिंग दोनों ही प्रोसेस है. बोलेंगे बोलेगा, नहीं बोलेंगे टाइप करेंगे तो टाइप करके देगा. तो दिस इज ऑल थिंग अबाउट दिस करंट अफेयर्स. हमारे आज के लिए यही करंट अफेयर्स है. तो अगर कोई डाउट होता है आप टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच.